Hello everyone, today we will discuss topic gender access to property from chapter Kinship Caste and Class, the third chapter from our book Themes in Indian History Part 1. Is topic mein aaj hum discuss karne wale hain about gendered access to property. Iska matlab hai ke ladke aur ladkiyon mein kya farak bataya gaya hai according to dharm सूत्रास या धर्मशास्त्र एंड अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति. मनुस्मृति जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है दैट मनुस्मृति इज़ अ बुक रिटन बाय मनु और इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो बताए गए हैं अबाउट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी. इसमें प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी जो फादर की प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर फादर के बाद उसके बेटों का हक होता है विद स्पेशल शेयर ऑफ द एल्डेस्ट सन. और जो विमेन होती है उसका फादर के रिसोर्सेज के ऊपर या हाउसहोल्ड रिसोर्सेज के ऊपर कोई हक नहीं होता है. इवन एट द टाइम ऑफ मैरिज जो उसको गिफ्ट्स मिलते हैं फ्रॉम हर फादर साइड एंड फ्रॉम हर इन लॉ साइड मीन्स जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं और जो उसके इन लॉज हैं जो मैरिज के टाइम पे जो उसको गिफ्ट्स मिलते हैं यू कैन इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से इट्स डाउरी वो उसका स्त्री धन है. और अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति उस स्त्री धन के ऊपर उसके हस्बैंड का कोई राइट नहीं है. हाँ पर ये बात ज़रूर है कि वो गिफ्ट्स को रिसीव करने से पहले उसको अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी. अगर उसका हस्बैंड उसको अलाउ कर रहा है देन इट्स फाइन. अगर अलाउ नहीं कर रहा है तब वो गिफ्ट्स रिसीव जो है वो नहीं कर सकती है. एंड और ये जो गिफ्ट्स होते हैं इनका हस्बैंड या उसके इन लॉज का उस स्त्री धन के ऊपर कोई हक जो है वो नहीं होता है. अगर आज की डेट में आप इस चीज़ को कंपैरिजन करें तो आज की डेट में भी जो लीगल टर्म्स में स्त्री धन जो है वो डिफाइन किया गया है विच इज़ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ अ वुमन. एंड लेकिन जो जहाँ तक केस है जो हायर क्लास जो वुमेन होती थी उनका जो केस था वो डिफरेंट था बिकॉज जो हायर क्लास में उनके नाम जो वुमेन होती थी उनका एक्सेस होता था प्रॉपर्टी में. वी डिस्कस द केस ऑफ प्रभावती गुप्ता इन चैप्टर 2 of our history book that she had access to property because she was daughter of Vikramaditya and she was married to a very powerful Deccan ruling class and when she became queen she had access to property. That's why we can say that in higher class these rules and regulations were not followed. But as far as in case of middle class people or poor people these rules were strictly followed and people used to follow these rules and regulations very carefully. And but as far as case of Mahabharata is concerned the epic the text is very dynamic. According to historians they believe that they believe this so because it is written in several languages as discussed earlier also that this text is written in Pali, Prakrit, Tamil along with Sanskrit. Sanskrit is the original text but after that many editions came out in several languages and these are demonstrated between people and communities. अलग अलग communities में अलग अलग लोगों में इस चीज़ को बहुत अच्छे से elaborate किया गया है और ये बहुत सारे cultures में circulate हुई है. That's why it is a dynamic text and its sculptures and paintings and dance forms are created in different areas of the country. Thank you.